बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, अभी चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो आप देखिए मेरे साथ साथ में मैं क्या क्या चीज़ें डालता हूँ। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, जीरा, धनिया, ये गरम मसाला यानी पीसा हुआ, ये 1 चम्मच, दो चम्मच नमक क्या डालेंगे, इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 4 केजी ये मेरा चिकन है, क्योंकि मसाला इसलिए कम लगाया, बाकी वो पतीले में भी डालेंगे, मसाला जो बनाएंगे उसमें भी डालेंगे। इसमें ये दही डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे बड़े चम्मच के साथ। ये बस चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अभी इसको मैं 1 घंटे के लिए ऐसे रख दूंगा। तो ये अच्छी तरह मिर्च मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो जब तक मैं अपना दूसरा मसाला प्याज का मसाला बना लूँगा तब फिर इसको इसमें डाल देंगे। जी व्यूअर्स, देखें मैंने बड़े पतीले में प्याज डाल दिए हैं, तो उसमें मैंने 4 केजी चावल हैं, तो 4 कप मैंने ऑयल के डाल दिए हैं। अभी मैं प्याज को फ्राई कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगा और टमाटर साथ में डाल देंगे। तो आप साथ साथ देखते जाएं। जी व्यूअर्स, देखें प्याज को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है, इसको थोड़ा ब्राउन करना है, ब्राउन होने तक इसको ऐसे पकाते रहना है, उसके बाद में बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। जी व्यूअर्स, साथ में अभी ये गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स गरम मसाला है, ये भी फ्राई हो जाएगा साथ में, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये हर चीज़। जी व्यूअर्स, मेरा प्याज रेड होना शुरू हो गया, तो अभी इसमें मैं ये टमाटर डाल दूँगा। और इस साथ में मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इलायची डाल दूँगा। और मैंने ये हरी मिर्ची ले ली कटी हुई बारीक, और इमली का शरबत, ये इमली ले ली मैंने, ये भी साथ में डाल दूँगा बाद में। पर ये लाल मिर्च 1 चम्मच, क्योंकि अभी इसमें कम डालेंगे, उधर चिकन को जो लगा दिया था लाल मिर्च। एक चम्मच हल्दी का डालेंगे, एक चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि पहले भी साबुत भी डाल दिए। चने को मैंने नमक लगाया था, उधर मुर्गी को भी नमक लगा दिया था, अभी 1 चम्मच डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डाल दिया साथ में। और इसमें चने का पेड़ डाल देंगे, जायके के लिए टेस्ट आ जाएगा।
साथ में मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी व्यूअर्स, अभी मैंने मुर्गी की बुनाई कर ली है, ये देखें अच्छी तरह फ्राई हो गया मेरा मुर्गी। तो अभी इसमें ये इमली का ये बकौतिया था जो मैंने शरबत, इसको डाल देंगे। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, फिर बाद में चावल डालेंगे। जितने हमारे चावल है उसके डबल पानी डालना है इसमें, तो पानी को थोड़ा सा उबाल कर लेना है। ये जितने मेरे चावल थे उसके डबल मैंने पानी डाल दिए, तो इसको भी अच्छी तरह उबाल कर लेना पानी को, फिर बाद में इसमें चावल डाल लेंगे। जी व्यूअर्स, अभी पानी रेडी हो गया है, मसाला रेडी हो गया, उसमें भी चावल डाल देंगे। तो अच्छी तरह साफ करके इसमें डाल देंगे। अभी इसको मिक्स कर देंगे, आराम से करना कि चावल टूटे नहीं। अभी इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर बाद में इसको दम पे लगा देंगे।